अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ सिया। मेरठ में एसिड पीड़ितों को नहीं मिल रहा रोजगार। दरअसल आज जिले के तमाम एसिड से पीड़ित महिला पुरुष डीएम कार्यालय पहुंचे और उनसे रोजगार की गुहार लगाई। इनका कहना है कि इनको इनके चेहरे की वजह से कोई जॉब नहीं देता, साथ ही लोग इनसे भय भय होकर दूर दूर भागते हैं, जिसके चलते समाज में रहने में इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि बिना रोजगार के गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इनका कहना ये भी है, अगर समय रहते सरकार की ओर से इनको कोई रोजगार नहीं कराया गया तो इन पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इनकी मांग है कि जिले में इनको एक छोटी सी जगह दी जाए जहाँ पर ये कैफे खोलना चाहते हैं। सुनिए इन पीड़ितों से मिली जानकारी। क्या आपका नाम है और आप यहाँ डीएम ऑफिस और इतने सारे एसिड पीड़ितों के साथ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम शिवानी त्यागी है, मैं मेरठ से हूँ। मैं एक एसिड सर्वाइवर हूँ। 2018 में मुझ पर एसिड अटैक हुआ था, उसके बाद मेरा कोर्ट केस चला, उसमें मुझे बहुत संतुष्टि वाला न्याय मिला। 6 अपराधी थे, वो सबको सजा हो गई थी, उम्र कैद हुई है उन सबको। पर उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चला, मेरी 25 सर्जरी हो चुकी हैं। मैं फैमिली है, मेरी 3 बच्चे हैं। अभी क्या है, मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा मेरे खराब चेहरे की वजह से, ना ही मैं कोई मेहनत वाला कोई काम कर पा रही हूँ, मेरी 25 सर्जरी जो हो चुकी हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमें सरकार के द्वारा कोई थोड़ी बहुत जगह ऐसी मिल जाए मेरठ सिटी के अंदर, जहाँ हम अपना एक कॉफ़ी कैफ़े चला सकें, जिसमें हमारी सारी टीम जो सर्वाइवर हैं, लड़कियाँ हैं, ये सब हमारे साथ मिलकर काम कर सके। ये जो आपके साथ सब लड़कियाँ हैं एसिड से पीड़ित हैं जैसे कि सभी, तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? हम सब मेरठ शहर से ही। मेरठ से? हाँ जी, मेरठ शहर से। मेरा नाम शाहनवाज है और मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। ये सब एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, हमारे घर से थोड़ा दूर रहते हैं और इनकी फैमिली ने, इनके जो जीजा थे तो उन्होंने अटैक किया था इनकी फैमिली पर और इनकी सिस्टर पर किसी भी बात के ऊपर। तो इनकी जो 7 मेंबर्स पर मतलब एसिड अटैक हुआ था, उसमें से एक इनकी सिस्टर एक्सपायर हो चुकी थी उस टाइम पर। तो जिसने एसिड डाला था वो अभी जेल में है और इनका भी ट्रीटमेंट चालू है और बाकी इनका भी बहुत पैसा लग चुका है ट्रीटमेंट में, अभी तक मतलब लग रहा है, सर्जरी अभी बहुत रह रही हैं। तो अब इनको पढ़ाई भी इनकी छूट गई है, क्योंकि जब अटैक हो जाता है तो उसके बाद इतनी सर्जरी होती हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो मम्मी के पास सो रहा था तो सोते हुए उसने रात को आकर के एसिड डाल दिया था। मैं 4 सिस्टर का सबसे छोटा अकेला भाई हूँ। उस 4 साल के बाद से आपको कहीं पर भी काम नहीं मिला, जॉब नहीं दी गई? हाँ, मैं जब 4 इयर्स का था, मैं तो छोटा था, बच्चा था उस टाइम का। उसके बाद तो मेरा ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी टाइम तक चलते हुए मेरा मतलब पूरा फेस गल चुका था धीरे धीरे, कभी कुछ गिर जाया करता था कभी कुछ। उसके बाद फिर जो मकान थे हाउस थे सब देख दिया था पापा ने मेरे, उसने जो भी था वैसा सब खर्च हो चुका था, मतलब बिल्कुल कुछ सपोर्ट भी नहीं मिला अभी तक, मतलब गवर्नमेंट से भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली है। आज के आश्वासन दिया है उन्होंने, सर ने बात की है तो बोल रहे हैं कि हम बताएंगे आपको, हमने कॉल किया है, देखो बताते हैं जैसे भी है, बट क्या नाम है, ये नहीं है कि हम जगह वहाँ पर स्टेडियम में दे सकें। तो वो बोल रहे हैं कि एक छोटा सा हम आपको वैन गाड़ी दिला देंगे लोन के थ्रू, तो उसके बाद आप उसमें वो गाड़ी वहाँ खड़ी कर सकते हैं। तो हमें थोड़े उसमें दिक्कत होगी, हमने बोला कि उसमें अगर हम एक ड्राइवर भी रखेंगे तो उसका भी सैलरी चाहिए और हमको तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी सर, अगर सारे काम नहीं कर सकते ना उसमें, उसकी EMI भी देनी पड़ेगी, वो भी हम कैसे चुका सकेंगे, क्योंकि हम तो पहले ही ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है, इतना पैसा लग रहा है, हम इतना पैसे कहाँ से लाएंगे? वरना हम अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती तो हम किराए पर कहीं पर भी कोई भी शॉप ले लेते हैं। मैं मैरिड हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। आप मैरिड हैं? जी, मेरी शादी अभी लगभग 7 इयर्स पहले हुई थी, मेरे 3 बेटे हैं, 6 में मैरिड हूँ। ठीक है सब कुछ, बट यही है, बस प्रॉब्लम यही है कि जॉब नहीं दिया जाता, पढ़ाई भी हमारी छूट जाती है, क्योंकि सर्जरी जब चलती है तो उसके बीच में बहुत पैसा खर्च होता है और कुछ सपोर्ट किया नहीं जाता, कहीं और भी सपोर्ट नहीं किया जाता, और तो बस यही सोच रहे थे कि यहाँ पर हमें एक छोटा सा कॉर्नर मिल जाता तो हम कुछ कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ से हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं और एक
पुरुष भी हैं, देख सकते हैं आप, सब एसिड से पीड़ित हैं। इनका कहना है कि इनके चेहरे की वजह से इनको कोई जॉब नहीं देता है, इसलिए आज ये डीएम ऑफिस पहुंचे एक छोटे से कैफे की मांग करने के लिए। कैमरामैन अर्जुन के साथ मैं निलोफर अंसारी, फर्स्ट बाइट टीम। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीम, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।